इस समय मैं तुम्हें जाने दिए तो उनको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस एक और चीज मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यहां पर मैं आपको एक क्रेडिट डेट भी बता दूंगा भाई अल्टीमेट फेरो कब आने वाला है। लेकिन गाइस उससे पहले देखो मैंने आप सभी को अल्टीमेट लेवल 7 स्टार का जो फेरो एपिसोड था उसके कुछ फ्रेंजी फॉर्म के बारे में आपको बताया था, तो उसके अंदर दो लेवल्स थे, तो ये लेवल्स कैसे वर्क करते हैं वही आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले देखो अभी जब ये हेडगियर देख पा रही है अल्टीमेट 7 स्टार फेरो एपिसोड का ही हेडगियर है, हालांकि अभी इसके आउटफिट को रिवील नहीं करा। तो गाइस इसकी आउटफिट और स्किन के बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर दो गाइस। तो सबसे पहले इसका हेडगियर देखो भाई फुल्ली एनिमेटेड होने वाला है, बीच बीच में ब्लू कलर की लाइट लग रही है। और गाइस जो बुलेट फ्रेंजी वाला इफेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हेडशॉट फ्रेंजी वाला जो इफेक्ट आप देख सकते हो, अगर आप किसी भी बंदे के हेडशॉट मारते हो तो गाइस इसका जो हेडगियर है पूरी तरह से रेड हो जाएगा, यानी कि पूरा चमकने लगेगा रेड कलर में। लेकिन गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बीटा वर्जन से निकाली गई लीक से, तो यहां पर अभी थोड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा। तो गाइस यार आप समझ सकते हो अभी तक आउटफिट की लीक नहीं आई, मतलब आउटफिट पूरी तरह से रिवील नहीं हुई, तो यहां पर हेडगियर का ये फाइनल वर्जन नहीं है गाइस अभी तक, तो यहां पर अभी काफी चेंजेस होना बाकी है। और यहां पर अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कौन सी बुलेट फ्रेंजी है और कौन सी हेडशॉट फ्रेंजी है, तो इसके ऊपर अभी डिफरेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है यार, तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको पूरी डिटेल यार अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अब गाइस ये देखो यहाँ पर क्लोज में जो अल्टीमेट फेरो का हेडगियर है वो कुछ इस टाइप का दिखने वाला है, और आउटफिट भी कुछ इस टाइप की होने वाली है, व्हाइट एंड हल्के से गोल्ड कलर में। तो यार थोड़ी सी फीकी क्यों लग रही है भाई, यहाँ पर जो गोल्डन फेरो वो तो एकदम गोल्ड कलर का है और ये यहाँ पर थोड़ा फीका कर रहे हैं यार इसको। और ये जो हेडगियर आप देख रहे हो ये लेडी एक्सूट जो आने वाला है, आई रेडी जो भी था यार, मैं तो माइटी फेरो बोल देता हूँ इसको सिंपल सा, लेकिन इसका जो लास्ट लेवल रहेगा ना एक्सूट का, लेडी एक्सूट का, वो काफी खतरनाक होने वाला है। तो गाइस अब इस एक्सूट की स्पिन कब आने वाली है और स्पिन कैसे होने वाली है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो गाइस जो हमारी नॉर्मली एक्सूट की स्पिन आती है उसी तरह की स्पिन होने वाली है, बल्कि यहाँ पर हमें दो दो एक्सूट देखने को मिलने वाले, एक तो हमारा फेरो 7 स्टार देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर जो न्यू आईरेडिस जो भी है यार उसका नाम मेरे से नहीं आ रहा, तो एक तो माइटी फेरो और दो एक्सूट हमें देखने को मिल जाएंगे स्पिन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो स्पिन है आपको M13 रॉयल पास आने के एक वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी, बिकॉज यार कंफर्म डेट तो यार कोई बता ही नहीं सकता, अभी लीक्स में निकलती नहीं है आजकल, तो यहाँ पर एक वीक के अंदर आपको ये स्पिन देखने को मिल जाएगी। वैसे गाइस एक चीज मुझे आपको और बतानी थी कि फेरो एक्सूट 7 स्टार का ऑफिशियल ट्रेलर भी आ चुका है जो कि लीक के थ्रू निकाला है, तो थोड़े बहुत टेक्सचर वहाँ पे शो नहीं हो रहे लेकिन ट्रेलर देखो आप लोग। तो गाइस इस चीज को देखने के बाद काफी लोग सोचेंगे यार फैन मेड ट्रेलर, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर ये अर्ली एक्सेस ट्रेलर निकाला गया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये जो मतलब सिंहासन पे भाई आउटफिट जो बैठे थे अल्टीमेट सूट है ये मैजेस्टिक वाला, वही सेट लग रहा है मुझे तो। ओ भाई ये तो 7 स्टार है, देखो यार आउटफिट किस टाइप की होने वाली है देखो, और यहाँ पर ये कौन सा सेट आया भाई। तो इसके अंदर है ना बहुत सारे आउटफिट्स और आने वाले, तो उनके भी यहाँ पर ये तो भाई मैजेस्टिक 100% ये मैजेस्टिक क्या वाली है, यहाँ पर क्या चीज होने वाली है भाई, तो देख लो इसके साथ में और भी आउटफिट आने वाले, इनके टेक्सचर ही लोड नहीं हुए, मतलब अब ये ट्रेलर पूरी तरीके से बना नहीं है। साथ में गाइस क्रॉनिक सेक का फिर से कोलैब होने वाला है,